मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ये हमारे पास आसूस का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है K510U। प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको प्रॉब्लम हम दिखा देते हैं इसकी प्रॉब्लम। ये आप देखोगे इसकी स्क्रीन ब्रेक हो रखी है, यहाँ पे इस पे प्रेशर लगा तो ये सारी स्क्रीन खराब हो गई है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो इसकी स्क्रीन में हम आपको हर बार हिदायत देते हैं, यदि आपको लैपटॉप कहीं कैरी कर रहे हो तो ज्यादा लैपटॉप पे प्रेशर मत दो, किताबें वगैरह कपड़े वगैरह लैपटॉप में मत भरो, लैपटॉप के बैग में ओनली लैपटॉप होना चाहिए आपका, और वो ऐसी जगह रखा होना चाहिए कि जहाँ पे उस पर प्रेशर ना पड़े। ये मोस्टली स्क्रीन तभी खराब होती है जब इसमें प्रेशर पड़ जाता है। हमें कस्टमर ने बताया कि उन्होंने इसमें हेडफोन रख के इसको नीचे प्रेस कर दिया तो यहाँ से इनकी ये स्क्रीन ब्रेक होती हुई चली गई, लिक्विड डैमेज होता है, ये लिक्विड फैल जाता है इसमें, ये लिक्विड डैमेज हो जाती है। तो इसके हम आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे हम इसकी स्क्रीन चेंज करते हैं इस मॉडल की। स्क्रीन चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, बैटरी हटानी होती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है जब हम स्क्रीन लगाते हैं किसी भी लैपटॉप में, कोई भी मॉडल हो आपको। स्क्रीन जब चेंज करते हैं तो बैटरी को रिमूव करते हैं, और बैटरी रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें लैपटॉप खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब मॉडल जो आ रहे हैं उनमें सब में इंटरनल बैटरी आ गई है। सबसे पहले हम बैटरी रिमूव करते हैं, ये बैटरी का लॉक होता है, इस बैटरी के लॉक को हम प्रेस कर देते हैं, ये हमारा कनेक्टर बाहर आ जाता है। तो हमारी बैटरी अब रिमूव हो गई है इससे, और हम इसको स्क्रीन चेंज करने के लिए हमें इसको पूरा टॉप पैनल को बाहर निकालना पड़ेगा, अलग हो गया है इसलिए इसको खोलना पड़ता है, ये हमारा नहीं निकल पाएगा जो ये क्लिप होता है, आप सर इस पल का सब जो इस पत्ते के नीचे होते हैं तो उस पत्ते को हमें हटाना पड़ता है। बहुत ध्यान से खोलना होता है नहीं तो टूटने का चांस रहता है। ये हमारी स्क्रीन है, हम स्क्रीन तक पहुंच ही गए हैं एटलीस्ट, फिर इसको खोलते हैं। ये स्क्रीन हमारी बाहर आ जाती है, ये केबल जो होती है केबल रिमूव कर लेते हैं। ये जो खराब स्क्रीन है लगानी चाहिए जब हम स्क्रीन चेंज करते हैं, क्योंकि इससे क्या करता है कि कनेक्टर को हिलने डुलने में यदि कोई झटका लग जाए तो कनेक्टर हमारा बाहर नहीं आएगा, हमारी स्क्रीन की केबल जो है वो नहीं हिलेगी। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं, अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं और हमारा लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने का सक्सेस रेट 80-90% तक है। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है या कोई मदरबोर्ड है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी स्क्रीन सेट हो गई है पूरी, अब हम इसको मदरबोर्ड पे फिट करेंगे। अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन टूट जाती है और आप यह जानना चाहते हैं कि इसको रिप्लेस करने का कितना खर्चा आता है, तो नॉर्मल लैपटॉप की स्क्रीन को रिप्लेस करने में 4,500 से 6,500 रुपए तक का खर्चा आता है, और एग्जैक्ट कॉस्ट लैपटॉप के मॉडल नंबर पर डिपेंड करती है। ये आप देखोगे हमारी स्क्रीन प्रॉपर होगी है, बिल्कुल ओके होगी। यदि इस प्रकार आपके इसमें कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी किसी भी प्रकार का लैपटॉप हो जिसकी स्क्रीन नहीं मिल रही हो,
सूरज कंप्यूटर्स पर हर प्रकार के लैपटॉप की स्क्रीन मिलती है, हर प्रकार के लैपटॉप की स्क्रीन चेंज होती है। यदि आप खुद से भी करना चाहें तो आप लैपटॉप की स्क्रीन चेंज कर सकते हैं हमारा वीडियो देख के। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।